नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस्हाद से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपके पॉलिटिक्स और हेल्थ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं लाइफ लाइन के फ्लो में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका लाइफ लाइन के फ्लो जो स्टार्ट हो रहा है वो गुरु के क्षेत्र से हो रहा है। जब गुरु के क्षेत्र से जीवन रेखा प्रारंभ होती है तो इससे लोग बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वासी, एम्बिशियस नेचर के यानी महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव के देखने को मिलते हैं। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो जीवन में पग पग पर बाधा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं आप जैसे लोगों की वो बहुत उच्च स्तर की रहती है। इसीलिए जीवन इतना आसान पहली बात तो रहता नहीं है, क्योंकि जो पानी की लालसा या चाहत रहती है वो एक्सट्रीम लेवल की रहती है, जिसके कारण मेहनत किसी भी लेवल की करने के लिए रेडी रहते हैं। अब ये ऑलरेडी ही एक बहुत अच्छी जीवन रेखा के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे आपकी लाइफ लाइन में जो फ्लो में चेंजेस हुआ है, ये जो उम्र है ये इनका तकरीबन 35 से लेकर के 45 के बीच में जो है ये चेंजेस ज़्यादा देखने को मिला है। यानी इस उम्र के बीच में आपके जीवन में बहुत सुखद चेंजेस देखने को मिला है, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने की शक्ति, शैली, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। और उसके बाद एक ऑफशूट यहाँ से भी निकला है और देखा जाएगा तो यहाँ पर आपके सीधे आते हैं सन माउंट पर। तो यहाँ देख पाएंगे कि सन लाइन जो स्ट्रॉन्ग हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 49 प्लस एज के बाद से हुआ है। तो इसके बाद से 49 के बाद से पद प्राप्ति के योग भी जीवन में अच्छे देखने को मिले हैं। और अगर ये चल करके ये रेखा बुध और सूर्य पर्वत के बीच में भी जा रहा है और मल्टीपल्स लाइन में ये डिवाइडेड भी हो रहा है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी आपके देखने को मिलेगा और अभी राजनीति से रिलेटेड ही लाभ मिलने के आसार और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि लाइफ लाइन से और भी आपके जो है ऑफशूट्स यहाँ से, जैसे ये सन लाइन को आप देख पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका मल्टीपल्स लाइन जो है चंद्र की तरफ भी जा रहा है, ये भी एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन अगर ये शुक्र से कनेक्टेड होता तो इसको यहाँ पर ख़राब माना जाता है, लेकिन तब भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें हेल्थ वाइज की, तो ये सपोर्टिव लाइन चल जरूर रही है, लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा ब्रॉड होकर के चल रही है। ब्रॉड का मतलब ये होता है कि रेखा बिखर करके चलना। जब यहाँ पर इस प्रकार से बिखर के रेखा चलती है तो इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो सहयोगी रेखा का काम ही है स्वास्थ्य में सुधार करना, दूसरों का सहयोग अच्छा प्रदान करना। इसका मतलब कि इनको दूसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनके लिए असरदायक नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हार्ट लाइन की यहाँ पर बात की जाए, तो हार्ट लाइन एट द एंड यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर भी जो है बिखर करके चल रहा है। और उसके बाद ये मरकरी लाइन जो है यहाँ पर इनकी, ये कंपेरेटिवली अच्छी लॉन्ग यहाँ पर निकल के जा रही है। तो ये एक कुल मिलाकर के शुभ चिन्ह यहाँ देखने को मिला है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा उतार चढ़ाव तो रहने वाला, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहेगा। तो इस कारण से ज़्यादा चिंतात्मक जो है बात यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक बहुत डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, सूझबूझ के साथ लाइफ में एक एक स्टेप लेना, बहुत ज़्यादा ही नॉलेज रखने वाले और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन टाइप का नेचर भी रहता है, जिसके कारण छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी इतने जल्दी से पकड़ लेंगे जिसमें लोगों को बहुत मरतबा सोचना पड़ जाए। अब जैसे सिंपल एक शॉर्ट फिंगर वाला पर्सन है, वो बोलेगा मुझे कार लेना है, तो सिंपली उसके सामने आप 3-4 ऑप्शन रख दो, वो उसमें से चूज़ कर लेगा, डायरेक्ट ले लेगा। जिनका लॉन्ग फिंगर इस प्रकार से होता है, इनको जैसे कार लेना है तो ये पूरा एक एक बारीक चीज़ों पर भी जाएंगे कि इंजन इतना होना चाहिए, गेयर इतने होने चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए, कितना किलोमीटर पर आवर है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हर बात की जड़ तक जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है, नॉलेज भी अच्छा होता है, और लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखते हैं तो गलती के चांसेस भी फिर कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख पाए लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में, तो ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गया है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, अपनी बात को बड़ी ही स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी इसे हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने से कोई गतिविधि नहीं है, और बहुत अच्छे स्पीकर टाइप ऑफ नेचर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन यहाँ पर जो है सेम इनका देखने को मिल रहा है, और फर्स्ट फिंगर का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप यहाँ पीछे नहीं भागे हैं,
और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपने ली है, और साथ ही साथ गुड यहाँ पर ये लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छा काम निकल पा पाना, ये सारे योग भी इनके पाम के अकॉर्डिंगली अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है जो इनके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, तो उस कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध कुल मिलाकर के मधुर यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ पर फैलेंजेस पर जो टिप आप देख पाएंगे वो भी कुल मिलाकर के अच्छा है, जिसके कारण बहुत ही स्पष्टवादी इंसान के रूप में भी ये उभर गया यहाँ पर आएंगे। बाकी बात करें थंब पर, तो थंब पर यहाँ पर आपको यव का चिन्ह देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह नॉर्मली बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये एक तो धार्मिकता को भी व्यक्त करता है, लेकिन सर्वप्रथम ये गुड ग्रेसिपिंग स्किल और इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कोई भी चीज़ जल्द यहाँ सीख और समझ सकता है और अपने इंटेलिजेंसी का सदुपयोग जीवन में करके बहुत आगे भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर मेडिटेशन भी यहाँ किया जाए या योगा किया जाए तो हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर इंट्यूशन पावर हुआ या सिक्स्थ सेंस हुआ उसमें भी बहुत सुधार देखने को मिलता है। कई मर्तबा पहले ही आभास हो जाना या पहले ही सारे सर्कमस्टांसेस समझ में आ जाना कि ये होने वाला है और अंततः वही होगा जो ये कहेंगे, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये गुड इंट्यूशन पावर को और एक्सपीरियंसेस को भी इंडिकेट यहाँ करता है। इसके अलावा यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में अच्छा कन्वर्ट हो रहा है जो कि हार्डवर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। ऊपर का पोर्शन ज़्यादा डेवलप है तो कार्य की प्रधानता या एकाग्रता किसी भी काम को लेकर के अच्छी रहने वाली है। नीचे का एरिया लोअर है तो ज़्यादा सोचने विचारने वाले नहीं होते हैं, बेफिजुल ख्यालों में रहना ऐसे लोगों को पसंद नहीं रहता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बताता हूँ। उसके पहले यहाँ पर देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, थिंकिंग जोन बहुत अच्छा डेवलप है, एक्शन जोन अच्छा डेवलप है, यानी कोई भी काम करने के पहले सोचेंगे विचारेंगे ज़्यादा फिर एक्शन लेंगे, और जहाँ तक रही इंस्पिरेशन मोटिवेशन की बात तो वो इनको ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, सीधे काम करना है, काम पर अपना ये फोकस करने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर गुरु से स्टार्ट करते हैं, तो गुरु इनका डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है जो अच्छा इनको नॉलेज देने वाला रहेगा। जहाँ तक रही पारिवारिक दृष्टिकोण से देखने वाली बात तो पारिवारिक जीवन भी इनका कुल मिलाकर के सही देखने को मिल रहा है, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। बस ये बात ज़रूर यहाँ पर इनमें है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इनमें बहुत अच्छा है, तो इस कारण से ईगो थोड़ा सा जल्दी बहुत सारे मामलों में हो भी सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ जितनी भी रेखाएँ ये चल रही हैं आड़ी, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देती है और मल्टीपल्स जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ये अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। जब गुरु पर अपॉर्चुनिटीज़ हो तो राजनीति से लाभ मिलने के योग तो बनते ही बनते हैं, तो इसलिए कोई भी यहाँ पर ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं है। और ऊपर से जो यहाँ इनका प्रोग्रेस लाइन गया हुआ है, अगर ये वाली लाइफ लाइन कंटिन्यू चलती रहती तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क में इंगेज ये रहते ही, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। लेकिन ये जो चेंज हुआ है लाइफ लाइन में, इसने कहीं ना कहीं एक बार अच्छा अपॉर्चुनिटी देके रिलैक्स करवा दिया है। अब यहाँ पर बात किया जाए सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है और यहाँ पर सैटर्न लाइन भी अवेलेबल है, वो भी बायफोर्क हो करके, तो इससे अच्छा भाग्य क्या चाहिए। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो जीवन में कमी ढूंढनी पड़ जाती है कि कहाँ है, मिलता नहीं है, क्योंकि ये अच्छे भाग्य को, अच्छे संतुष्ट में जीवन को, सारे ड्रीम डिज़ायर पूरे होने को और अच्छे धन को सबसे पहले व्यक्त करता है। इसके अलावा भाग्य रेखा पहुँचे नहीं पहुँचे वो बात यहाँ पर अलग हो जाती है, लेकिन सेपरेट यहाँ पर लाइन है, इसका मतलब बुढ़ापा बहुत अच्छा कटने वाला रहता है, क्योंकि यहाँ जो ये एज काउंट होने लगता है तो ये एज आपको यहाँ निकालेंगे आप तो ये 60 की उम्र से लेकर के ये तकरीबन 80-85 की उम्र के आसपास तक आज के टाइम के यानी काल पुरुष के अकॉर्डिंग जाने वाला ये रहता है। तो इसलिए ये यहाँ तक भाग्य रेखा पहुँची है तो उम्र भी लमसम इतने लगभग देखने को मिलेगा और अभी तो लाभ के आसार भी और अच्छे हैं क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर मजबूत है, तो इसीलिए यहाँ कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जितने भी छोटी मोटी रेखाएं हैं ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग और वर्क को इंडिकेट करता है, बाकी सबसे मेन लाइन तो यही है जिसका लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्य रेखा की बात की जाए तो अभी भी लाइफ लाइन से सूर्य रेखा निकली है तो इस कारण से बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी अप्रोक्सीमेटली 70 के एज के आसपास में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये रेखा बीच में रुकी है और यहाँ पर सूर्य रेखा आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे बुध और सूर्य के बीच में गई है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से लाभ के योगों को भी व्यक्त करता है। तो अभी भी खुद के
नाम पर प्रॉपर्टी लेने के योग यहाँ पर अच्छे हैं, और सन लाइन बिल्कुल दूषित नहीं है, यहाँ पे अच्छी चल रही है, यानी कोई भी यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखा ऐसी कोई भी नहीं है, एक रेखा जा रही है लेकिन ये अंततः धुंधली हो गई है, तो इससे ज़्यादा कोई तकलीफ रहेगा नहीं। तो इसलिए नाम, ख्याति, इज्जत, सम्मान समाज के में और अपने कार्य क्षेत्र पर आप अच्छा अर्जित कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। तो सूर्य अच्छी पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर जो लाइफ लाइन से निकली है तो अभी भी चांसेस ब्राइट है आपके पॉलिटिक्स लाभ लेने के। मरकरी माउंट आपको बहुत अच्छा डेवलप है, और एक से अत्यधिक रेखा बहुत मीठी बोली, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार इंडिकेट करता है, यानी जिस किसी के साथ भी आपने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, थोड़ा बहुत बैठ गए, इतना बेहतरीन छाप छोड़ेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर के ही नहीं जाएगा, आपके साथ बंद जाएगा, या फिर आपके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बात मनवा लेने की और साथ ही साथ बांधे रखने की क्षमता बहुत अच्छी देखने को मिलेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर होंगे, और खासकर आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना और अपने बातों से अक्सर प्रभावित कर देना, इस प्रकार के योग भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को और फ्लर्टी रोमांटिक और माता पिता के अच्छे सेवक को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके हार्ट लाइन पर, तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन शनि पर आकर के रुकी है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, ज़्यादा इमोशंस वगैरह इन सब चीज़ों में आपका मायना नहीं रहेगा, और हल्की सी यहाँ पर रेखा भी निकली है लेकिन ये धुंधली है तो इसका असर ज़्यादा नहीं रहेगा। जब शनि पर रुकती है हृदय रेखा तो ये दो चीज़ों को इंडिकेट करती है, पहला कि ऐसे व्यक्तियों का मनी पर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है लाइफ में, मतलब सुबह उठते से ही कहीं ना कहीं मनी का जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाता है कि धन इतना आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, इस तरीके से जो है आ सकता है, तो इस कारण से धन की प्रधानता जीवन में ज़्यादा रहती है। दूसरा, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस ज़्यादा रहता है, यानी खुद का सेटिस्फेक्शन जिस चीज़ में नहीं मिलेगा वो चीज़ करेंगे ही नहीं, तो ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकलिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है। तो देखिए, इनको जब प्रैक्टिकल माइंड सेट है तो कोई भी हार्ड लाइन से ऐसी मेजर लाइन नहीं निकल रही है, अदरवाइज अभी तक जितने पाम देखे थे उसमें अधिकतर लाइन्स हार्ड लाइन से कनेक्टेड थी, जो कि इमोशनल नेचर को बताती, तो उनको कितना ज़्यादा ट्रबल था। तो ये कुल मिलाकर के अच्छा यहाँ चिन्ह है, और ये अंततः विष्णु सिंबल भी यहाँ पर बना है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहती है, जीवन में स्ट्रगल करके ही ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ासकर शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहता है। यहाँ बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो कंसिस्टेंट एकदम स्ट्रेट चल रहा है, और यहाँ पर अंततः बाहरी मंगल के क्षेत्र पर आकर के बायफोर्क हुआ है, बहुत क्लेवर और करेजियस मेंटिलिटी होती है, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, और सब चीज़ का सामना, सब चीज़ यानी किसी भी प्रकार की तकलीफ, कष्ट, बाधा, रोग, सबका सामना अपना मानसिक स्तर के बलबूते पर बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, मेहनत, ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगा, और माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, कार्य करना ये ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी बेफिजूल की बातों में ना यहाँ पर लड़ते हैं, ना पढ़ते हैं, और नहीं इन सारी चीज़ों पर ध्यान भी देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है। और अंततः जो बायफोर्क हुआ है तो इनके आइडियाज़ बहुत अच्छे देखने को मिलेगा, आइडियाज़ हुआ, सुझाव हुआ, या एक प्रकार से गाइडेंस हुआ, बहुत बेस्ट ये जो है अपने स्तर पर देने वाले रहेंगे, जो इन फ्यूचर व्यक्ति को लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम आएगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई इनका यहाँ पर सजेशन किसी के लिए रहेगा ही नहीं, जो भी रहेगा दूरदर्शिता को देखते हुए बताएंगे, सीधे दो तीन बार पॉइंट रखेंगे, दैट्स इट। तो ये मेंटेलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी ये ऑफशूट्स हल्के हल्के निकल रहे हैं, ये अपने अपने स्तर पर शुभ परिणाम देने वाला होता है, जिसके कारण डिसीजंस लेने की जो क्वालिटी है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लाइफ लाइन पर आते हैं, तो लाइफ लाइन में ये देखिए स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा लाइफ लाइन बिखर करके और ब्रॉड होकर के चल रही है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, और जीवन शैली में भी बाधा को ये उत्पन्न करता है। लेकिन जो गार्जियन एंजल लाइन गई है, इसके बाद से अपने खुद के दम और खुद के प्रयासों से इन्होंने अपने जीवन को इतना सरल और इतना अच्छा बनाया है। उसके बाद रेखा आगे गई है, सहयोगी रेखा भी यहाँ पर प्रारंभ हुई है, तकरीबन यहाँ 34 किलम में ही जब ये लाइफ लाइन ओवरलैपिंग के साथ गई है, और अंत तक ये लाइन जा रही है सहयोगी रेखा, तो इस कारण से सहयोग हमेशा किसी न किसी का बना रहेगा, उसमें कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं है। अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है और बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा हुआ या मानसिक बल, ये दोनों अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से ज़्यादा आप बलवान देखने को मिल रहे हैं।
और हल्की हल्की सी शाखाएं आपके चंद्र यहाँ पर मंगल के क्षेत्र से निकल के लाइफ लाइन को अटैक कर रही है, जिसके कारण फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन आपको 20 से लेकर 35 के एज के बीच में ज़्यादा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो मंगल में ऐसी कोई भी कमी नहीं है आपके। राहु की रेखा जरूर एक दो बहुत डेंजर रूप से यहाँ पर काट की गई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और ये जो उम्र है ये तकरीबन आपका 40 से 45 के बीच में ही और 47 से 50 के बीच में स्ट्रेस लाइफ में बहुत ख़तरनाक, ये किसी ना किसी वे में लॉसेस को ट्रबल को इंडिकेट करता है। शुक्र का क्षेत्र विकसित यहाँ पर नॉर्मल है, यानी इस जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा होने के बाद भी बहुत सिंपल रहने का जो है यहाँ पर यह योग बनाता है जब शुक्र इस तरह का देखने को मिलता है। बस अच्छा रहन सहन खान पान ये देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा शौक अरमान या बहुत ऊंची थिंकिंग या रॉयल्टी या लग्जरीज की चाहत ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं रहती ऐसे लोगों में। तो इस कारण से कोई भी ऐसा शुक्र का दोष भी नहीं लगता है। शुक्र जीवन में हो तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं हो तो भी कोई मतलब नहीं है। लाइफ तो यहाँ पर कंसिस्टेंट और सिंपल रहने वाली है। अंततः केतु पर डिवाइडेड हुई यहाँ पर जीवन रेखा लाइफ को स्ट्रेंथ अच्छा देती है और यात्राओं से भी लाभ के आसार जो है अच्छे देखने को मिलते हैं। चंद्र की भी रेखा यहाँ से निकली है, जन्म स्थान से दुर्भाग्य की उन्नति इस कारण से बनते हैं और मल्टीपल्स लाइन अभी यहाँ पर निकल रही है, लेकिन ये ज़्यादा टेंशन नहीं देता है, ये ट्रैवलिंग को ही अगेन इंडिकेट करता है। चंद्र का क्षेत्र विकसित अपने आप में ठीक है और एक हल्का सा जो है रेखा यहाँ पर आपका ये जो है चलते हुए गुरु की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर लाभ मिलने के आसार और आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ या बाहरी दुनिया बाहरी लोगों के सहयोग को भी अच्छा इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी एक प्रकार से कंप्लीट होता हुआ देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये थोड़ा सा जो है सन लाइन के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पर जब भी कोई भी ऐसा ट्रायंगल छोटा मोटा भी बनता है तो वो धन की स्थिति को अच्छा व्यक्त यहाँ पर करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ आप देख पाएंगे आपके लेफ्ट पाम पर भी जो ग्रोथ और प्रोग्रेस लाइन है वो अभी भी यहाँ पर आपकी चल रही है और ये सीधे मर्ज होते हुए गुरु से कनेक्टेड हुई है। तो इसलिए अपने क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति के योग भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जब गुरु से चाहे हार्ट लाइन के द्वारा या सिंपल भाग्य रेखा भी पहुँचे तो भी कुछ ना कुछ ऊंचा पद या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिलने के आसार अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कमी आपके नहीं है। और सूर्य के क्षेत्र पर भी सेपरेटली बात किया जाए तो सूर्य की रेखा भी आगे जा करके इंडिपेंडेंट ये त्रिशूल की आकृति बना रही है, लेकिन तब भी ये अच्छे नाम और ख्याति को इंडिकेट करता है। बाकी मरकरी माउंट ठीक है तो व्यापार से भी लाभ के आसार यहाँ अच्छे देखने को मिलेंगे और सहयोगी रेखा अभी भी निरंतर चल रही है तो सपोर्ट तो बहुत बेहतरीन अभी और आपको दूसरों का मिलने वाला रहेगा। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।